जालंधर के मायरवर्ड स्कूल के मैदान में फुलकारी बाजार 2023 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कला और परंपरा का एक शानदार उत्सव देखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में कला प्रेमी उमड़ पड़े। फुलकारी वुमेन ऑफ जालंधर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र के कारीगरों, शिल्पकारों और उत्साही लोगों की एक विविध श्रृंखला एक साथ आई। फुलकारी बाजार ने एक उत्कृष्ट संग्रह प्रदर्शित किया। इस दौरान लोगों ने हस्तनिर्मित वस्त्र, सहायक उपकरण और घरेलू सजावट की वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की जानकारी हासिल की। इस कार्यक्रम में जालंधर के DIG स्वपन शर्मा, दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज, नेहा विज, रुचि विज विशेष तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की, तो वहीं उपस्थित लोगों को लाइव बैंड से सम्मानित किया गया। विभिन्न खाद्य स्टॉलों द्वारा माहौल को और खुशनुमा बनाया गया। फुलकारी वुमेन ऑफ जालंधर के पदाधिकारियों ने फुलकारी बाजार को शानदार सफलता दिलाने के लिए प्रतिभागियों, प्रायोजकों और सहयोगियों को उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि वे भविष्य में ऐसे प्रयासों के लिए तत्पर हैं जो महिलाओं और समाज को समान रूप से सशक्त बनाते रहेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। स्टॉल लगाया है। आई एम अ पार्ट ऑफ फुलकारी वुमेन ऑफ जालंधर और ये स्कूल मेरा है, तो मैं थोड़ा देखने आई हूँ। ऑफकोर्स शॉपिंग भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेडीज जहाँ जाती हैं वो शॉपिंग करती हैं, लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट ओनली हाई फाई शॉपिंग, यहाँ चैरिटेबल स्टॉल्स बहुत हैं। आई वुड रिक्वेस्ट सभी आएँ और यहाँ हेल्प करें। इतने NGOs आ रहे हैं आगे, उन्होंने भी लगाया, हमने भी स्कूल की तरफ से लगाया है स्प्रेडिंग स्माइल्स करके। उसमें आप ड्राई राशन, स्टेशनरी, नए पुराने कपड़े वो सब दे सकते हैं। तो आगे आइए, आई वांट यू टू इनकरेज अस, टू हेल्प अस एंड टू ब्रिंग इट फोर्थ। हाँ जी, मैं आज फुलकारी इवेंट जो जालंधर वुमेन ऑफ जालंधर ने ऑर्गेनाइज़ करा है, मैं वहाँ पर आई हूँ। मेरा नाम पायस चतरथ, मैं शिमला बेस्ड हूँ, टैरो कार्ड रीडर, लेकिन अब यहाँ पे मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ जालंधर में। एंड यहाँ पे मुझे आए हुए अभी 5-6 साल हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा इनका जो इवेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा नेम फेम मिल रहा है। बट अदरवाइज़ ऑल्सो मेरा एक अपना रेडियो शो चलता है टैरो के Big FM के नाम पर। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सारे भी अभी शाम तक ये चलेगा, आप सारे आएँ देखें। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, काफ़ी NGOs ने यहाँ पे आके काम करा है। आई वुड सजेस्ट सारे जालंधर वालों को कि आए एक बारी, ज़रूर देखें यहाँ पे, एंड मेरे पास ज़रूर अपने टैरो टिप्स के लिए आना फेवरेबल रहेगा। अच्छा, इनिशिएटिव जेडी NGOs दा ते वुमेन फोक दा अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए था। मैं बनाती हाँ हेल्दी पिन्नियाँ बनाती हाँ, और इन्हां नाल अद्धियां ते तकलीफां ही तुहाडियां ठीक हो जांदियां। अपना काओ की, प्योर काओ की पानी हाँ, सारे मगज पानी हाँ, ड्राई फ्रूट सारा हैगा, और बादाम पिन्नी है, एनर्जी रोल हैगा, और नट्टी पिन्नी है, मतलब हर तरह की पिन्नी और सब कुछ मैं पाती हाँ। ऑरगैनिक नहीं है जी, तुसीं कह सकते, मैं गुड़ नाल बनानी हाँ, मेरी क्वालिटी दी और प्योर चीज़ा सारियाँ। ब्रांड का नाम आकर्ष और ये सारा प्योर सिल्वर है 92.5, और ये मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। एंड आज मैं अपना अपना कोई पीस भी डाला हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड ग्लास वर्क विद ढोलकी बीट्स, और हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीसेज हैं इन चटाई एंड इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिल्वर का काम में। हमारे पास बैंगल्स हैं, रिंग्स हैं, और अभी जैसे दिवाली की फेस्टिविटीज़ आ रही हैं उसमें ये बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ एथनिक वेयर के साथ। सो ये फुलकारी का बहुत ही अच्छा इवेंट है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करा है, एंड आई थिंक पीपल शुड कम एंड हैव अ लुक
एंड बी मोर सपोर्टिव। जलंधर में मेयर वर्ल्ड स्कूल हम फुलकारी की एग्जीबिशन में आए हैं। बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, चैरिटेबल स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी स्टॉल्स हैं, फ्लोरल स्टॉल्स हैं एंड बहुत अच्छी जैकेट्स, केप्स। प्लीज़ आइए यहाँ पे, आके सपोर्ट कीजिए इनको, इट्स अ गुड कॉज। और बहुत सारे चैरिटी के स्टॉल्स हैं, लॉट ऑफ पीपल नीड हेल्प, उनकी आके हेल्प कीजिए। प्लीज़ कम एंड बाय एंड अ मस्ट विजिट एग्जीबिशन। थैंक यू सो मच। मैंने अभी एक चैरिटी शॉप से दिए लिए दिवाली के लिए। मिठाइयों की बहुत अच्छी शॉप है, सारी ऑर्गेनिक होममेड मिठाइज है। आप आइए और आगे खुद देखिए, और बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੋਲ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਕੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੇ ਪੁਰਕਲ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਸਟੋਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਕਲ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬੇਸਡ, ਔਰ ਵੋ ਵਿਲੇਜ ਕੀ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਮੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਨਕਾ ਸਮਾਨ ਯਹਾਂ ਲਾ ਕਰ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਉਨਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਡਮ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਲ ਨੇ, ਜਿਊਲਰੀ ਹੈ, ਸਾੜੀਜ਼ ਹੈ, ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਸਟੋਲਸ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਕਵਰਸ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਈਟਮਾਂ ਹਨ, ਆਲ ਦੈਟ। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। स्टॉल जो हमारे लगे हैं वो साड़ीज़ के, सूट्स के, और हमने एनजीओस के, और हमने हर तरीके के स्टॉल्स लगाए हैं। फर्नीचर वाले भी हैं हमारे पास, ये ई बाइक्स वाले भी हैं। सो इट्स नॉट ओनली, सिर्फ फैशन नहीं है, मतलब हमने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करी है जलंधर में। जो सारे अपकमिंग जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस जो और बड़ा होना चाहते हैं, जिनको जलंधर शहर में लोगों को मालूम नहीं है, उनके लिए हमने ये बाज़ार लगाया है ताकि लोगों को पता चले कि ये छोटे छोटे बिजनेसेस कौन कर रहे हैं। और ज़्यादातर सारी औरतें हैं जिन्होंने ये, जिनके स्टॉल्स लगाए हैं हमने। आर्टिसंस अलग अलग स्टेट से उनके प्रोडक्ट्स मंगवा के हम उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहते हैं कि छोटे छोटे गांव में जो सामान बन रहा है, केन का हो, फुलकारी के दुपट्टे हो, या बंजारन जो बंजारन बनाते हैं उनकी एक्सेसरीज हो, उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें सब लकड़ी शीशम के इस्तेमाल करी हुई है। जैसे कि ये शीशा है, इसको हमने नेचुरल शेप दिया हुआ है और इसको खुद पॉलिश करके खुद हम अपने घर, अपने ही घर पे बनाते हैं। दूसरा हमारे ये नेचुरल पेड़ हैं जो उनको, जैसे हमने स्टूल्स बनाए हुए हैं। एक ये शीशम की पेड़ की लाइट है जो बैकलिट है, जो हम वॉल पर लगा सकते हैं। दूसरा फिर हम ये ऐसे नेम प्लेट्स बनाते हैं शीशम के,